और ये गरीब नवाज सरकार की याद पे ये पूरा पहाड़ रोने लगा था और ये आंसू के निशान बन गए कि चिल्ले मुबारक पे जहाँ पर गरीब नवाज सरकार आकर के इबादत करते थे और यहीं पे नमाज पढ़ते थे, एक छोटे से कासे पे गरीब नवाज सरकार ने ये पूरे आना सागर का पानी छोटे से कासे पे ले लिया था। ये गरीब नवाज सरकार का करम नहीं तो क्या है, जितना करामत इसी पहाड़ पे हुई थी। कोड़ी जो होते हैं, मरीज होते हैं, उनकी सबकी दुआएं कबूल होती है और जल्दी से जल्दी इलाज। आपके आना सागर से मुझे तस्वीर मिली थी, आज बैठी हुई थी बड़ी मायूस जी, बहती हुई आई, हमारी नंद पास में थी, उनके हाथ नहीं लगी, वापस लौट गई जी, फिर लहरों में वापस आई तो आज भी मेरे पास। अरे वाह वाह, गरीब नवाज का चिल्ला मुबारक चमार घाटी के पहले ही। तो कोई अगर धान मंडी से या दिल्ली गेट से अगर कोई सवारी एक सिंगल पर्सन जा रहा है तो कितने रुपए चार्ज लोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज हम लोग जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के चिल्ले मुबारक पे, यानी जहाँ पे गरीब नवाज सरकार बैठ कर के इबादत करा करते थे वहाँ पर जाएंगे। और कहा जाता है कि आज भी वो पहाड़ उनकी याद पे रोता है, यानी कहा जाता है आज भी आंसू टपकते उनकी याद पे। तो चलो चलते हैं, वो वाकया पूरा बताएंगे कि क्यों आंसू टपकता है, क्या मामला है, और इसके साथ साथ बताऊंगा वो आना सागर जहाँ पे गरीब नवाज सरकार ने पूरे पानी को, आना सागर के पानी को छोटे से कासे पे ले लिया था। हो सकेगा अगर वो कासा होगा मौजूद तो कासा भी दिखाएंगे, कासे की जरूरत कराएंगे और आपको चलते जरूरत कराते हैं और आना सागर का पूरा वाकया भी बताते हैं कैमरा घुमा के। चलिए, और ये मेरा दोस्त है सुशील यादव, मेरे साथ में वीडियो बनाने में मदद कर रहा है, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज फाइनली मैं मेरे घर के बाहर आ चुका हूँ और आपको दिखा दूँ, मैंने इस होटल का वीडियो बनाया था और मैं रहता भी यहीं हूँ। ये मेरा सामने जो बंदा खड़ा हुआ ना, वो देखिए, ये मेरा अफसर भाई है। आप कभी भी आए कृष्णा गेस्ट हाउस में आकर के मेरे बारे में पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे मिल जाऊँगा। और ये रहा आना सागर जाने वाला रास्ता, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ पूरा ताकि आपको समझ में आए रास्ता। तो आप देख सकते हो हम लोग दिल्ली गेट में पहुँच चुके हैं और यही दिल्ली गेट है जहाँ से आप, इससे आगे गाड़ी जाती नहीं है ज़्यादातर, और जहाँ से भी आपको गाड़ी जाने के लिए चाहिए, मतलब कहीं पर भी जाने के लिए, तो आपको इसी दिल्ली गेट से गाड़ी मिलती है। आना सागर हो, रेलवे स्टेशन हो, या चिल्ला शरीफ जाने के लिए, या फिर 700 जाने के लिए गाड़ी यहीं से मिलती है दिल्ली गेट से आकर। ये देख सकते हो यहाँ पे रिक्शा मिलता है, ये रिक्शे वाले घूम रहे हैं। अभी कोई रिक्शा वाला होगा पूछते हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं। ये नहीं अपना ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला मुबारक चमार घाटी के पहले ही। तो कोई अगर धान मंडी से या दिल्ली गेट से अगर कोई सवारी एक सिंगल पर्सन जा रहा है तो कितने रुपए चार्ज लोगे? या दिल्ली गेट से कितने रुपए लगेगा? पर सवारी 10 रुपए, बहुत सस्ता है यार, क्या बात है, कितनी एक सवारी का 10 रुपया। तो देख सकते हो गाइस, मात्र आप 10 रुपए में ना दिल्ली गेट से आना सागर भी जा सकते हैं। आना सागर और चिल्ला शरीफ अगर आपको जाना है तो मात्र 10 रुपए में जा सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका क्या नाम होगा? असलम भाई। अच्छा, और अगर कोई खुद बुक करके जा रहा है तो कितने रुपए लगेगा? जैसे 4-5 जनों का, कितने आदमी इसमें आ सकते हैं? छह आदमी आ सकते हैं। चलिए, एक चीज आपको बता दूं गाइस कि मैं तो यही कही हूँ, तो मेरे पास तो मेरी बाइक है तो मेरी बाइक से जाऊंगा, पर अगर आप लोग आ रहे हो ना आना सागर, आपको जाना है तो आप रिक्शे में जाकर जा सकते हो रिक्शे से। अच्छा, एक चीज और लास्ट पूछूंगा आपसे, कोई बंदा मतलब कितना किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है? 2 किलो 2.5 किलो, और अगर दिल्ली गेट से ले तो 1 किलोमीटर तो है। चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे कोई सब्सक्राइबर आया तो भाई की इसमें जा सकते हैं आराम से, मैंने चार्ज बता दिया है और अब हम भी चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारे सारे सब्सक्राइबर भी जा रहे थे वहाँ पर, और यहाँ पर देखिए चप्पल जूते की दुकान भी लगती है। अभी जरूरत करके आए हैं हम लोग, चिल्ले की तरफ जा रहे हैं। और आपको बता दूँ, ये सोपी सैन स्कूल नाम है इसका, और यहाँ पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये रहा मैं रास्ता आप लोगों को बता देता हूँ, आप जब रिक्शे वाले को बोलेंगे ना कि भाई हमारे को गरीब नवाज का चिल्ले मुबारक पे जाना है, तो वो ऑटो वाला यहाँ पर लाएगा, छोड़ेगा
और ये सामने देख सकते हो चिल्ला ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पर लिखा हुआ है और इसकी पूरी डिटेल होगी ऊपर ऊपर ही चल के कोई खादिम साहब होंगे या कोई खिदमत गुजार होंगे उनसे जानकारी लेंगे। और ये रास्ता जो देख रहे हैं आप ये नीचे जाता है, यहाँ पर नीचे आना सागर है और वहाँ पर कई लोग जाते हैं, वहाँ पर भी मच्छियों को दाना डालते हैं। भालो दादा ये देखिए क्या बोलती पब्लिक, बढ़िया। ये हमारे भाई लोग हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आना सागर का जाने का रास्ता है, यहाँ से लोग जाते हैं पैदल, कई लोग दाना लेकर जाते हैं। हाँ, और ये मच्छियों को खिलाने के लिए, ये मच्छियों को खिलाने के लिए। और अगर मच्छियों को दाना खिलाना है तो दाना जरूर लेके जाना है, ठीक है। तो ये रास्ता है, हम लोग बचपन परवीन साहू की दुकान है, परवीन साहू हमारा भाई। और ये जो रास्ता आपको बता दीजिए, हमारे भाई लोग हैं जो हमारी वीडियो को भी देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज बता दें, बचपन में ना इसी रास्ते से जाया करता था बचपन में, और इसी रास्ते से जाकर के बचपन में वहाँ आना सागर में नहाया करता था मैं। अभी तो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, अभी चौपाटी बना दी गई है, अभी वॉक कर सकते हो, नहा नहीं सकते हो, पहले नहा सकते थे, सब्जी बनी हुई थी, तो हम लोग यहीं पे जाते थे नहाते, बचपन में बहुत अच्छा लगता था। खैर कोई बात नहीं, अब आप लोगों को चिल्ला मोहरक की जरूरत कराते और यहाँ की हिस्ट्री पूरी बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे चाचा जान आए जाकर के जरूरत करके, और ये देखिए गरीब नवाज का चिल्ला है मुबारक यहाँ पे लिखा हुआ है, चिल्ला मुबारक यानी इबादत करने की जगह होती है। और यहाँ पे कई मेहमान भी आए हुए, कहाँ से आप लोग? कर्नाटक से आए, माशाल्लाह जरूरत कर ली, क्या देखने को मिला ऊपर? चिल्ला मुबारक कहा जाता है यहाँ पे, गरीब नवाज सरकार की याद पे आज भी पहाड़ रोता है, है ना? क्या वाकया यहाँ के बारे में सुना है आपने? वो सुने हैं, हम भी पहली बार आए। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे गरीब नवाज सरकार बैठ करके इबादत करा करते थे, है ना जी? माशाल्लाह। चलिए हमारे भाई लोग कर्नाटक से आए, जरूरत करके आए, कैसा लग रहा है मंजर? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी मिल रही है। सही है माशाल्लाह। कितनी बार आ चुके हो यहाँ पर, ये आते रहते हो? दूसरी दफा। थोड़ा अफसोस होता है ना, वहाँ पर वो जो था वो नहाने का सिस्टम अभी बंद कर दिया ना सागर में, अभी खुलना चाहिए वो। चलो कोई बात, हाँ हाँ थोड़ा अफसोस होता है। चलिए माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? लतीफ भाई। बेंगलोर से? रायचूर से। माशाल्लाह, ये यहाँ पे ये रास्ता था लिखा हुआ चिल्ला मुबारक, यहाँ पे देखो बाबा लोग भी घूमते हैं, और ये चिल्ला मुबारक मेरा दोस्त चढ़ते हुए जा रहा है। ये मेरा दोस्त है ना, आज वीडियो नहीं बना रहा है, आज सिर्फ मेरे साथ वीडियो बनवाने आया, माशाल्लाह शुक्रिया इसका। और यहाँ पे लगता है लंगर भी चलता है, बाबा यहाँ लंगर चलता है, ऊपर चलता है? अच्छा, कितना डेली सुबह शाम चलता है क्या बाबा? बारह महीने का लंगर। 12 महीने का है? कितने बजे चालू होता है, कितने बजे खत्म? असर के टाइम पे चालू होता है, 2 घंटे के बाद खत्म। असर यानी शाम के 4 बजे से लेकर के 5 बजे से? अच्छा ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बाबा एक बात बताओ ना, सारे दिन भर चलता? अच्छा ठीक है, चलिए। बाबा ने बताया कि यहाँ पे लंगर भी बढ़ता है, देखो छोटा बच्चा लंगर लेके जा रहा है, लंगर यानी लंगर में कुछ भी हो सकता है यार, खीर दरिया है ना। और ये देखो हमारे भाई केरला, केरला मलयालम कंचम कंचम सलाम अलैकुम, थोड़ा जल्दी में भाई, केरला बंगाल सब जगह से लोग आते हैं। और यहाँ पे हम दुकान पे आए, यहाँ पे एक दुकान थी तो हमने सोचा आप लोगों को दिखाते हुए जाए। जब आप लोग यहाँ पर आते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिल्ला मुबारक में, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के जो चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पे ये लकड़ियाँ भी बिकती है। ये जड़ी बूटी है क्या? अच्छा ये जड़ी बूटी है, देख सकते हो आप, यहाँ पर आए तो जड़ी बूटी भी ले जा सकते हो। क्या किलो पड़ती होगी ये? अच्छा सब दवाई बनी हुई है। अच्छा अच्छा, ये किस काम में आती दवाई है? ओह शुगर की भी है, बवासीर की भी है, जोड़ की जो पैरों की दर्द होती है ना, सब चीज में काम आती है ना। अगर कोई यहाँ पर आता है, जैसे कि एक डब्बा होता होगा, ये कितने का पड़ता है? ये दर्द का है, ये कितने रुपए का है? कितने का? ये जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अगर आप ये जड़ी बूटी का डब्बा लेते ना तो मात्र 150 रुपए का है। आप चिल्ले शरीफ में आए तो आप ये ले जा सकते हो, ठीक है भाई। सिद्धि के पास में ही चढ़ते ही आपकी दुकान पहले पड़ेगी, इनकी दुकान आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपके राशि देख करके यहाँ पे नगीने भी देते हैं ना, देखिए आपका राशि देखते हैं, आपके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ नगीना भी देखते हैं बाजी हमारे, ठीक है बाजी, शुक्रिया आपका। और चलते हैं ऊपर हम लोग और चिल्ला शरीफ की जरूरत कराते हैं, माशाल्लाह। देखिए यहाँ पर गाड़ी भी आ जाती है, यहाँ पर देख रहे पहली जब आ पाएंगे तो यहाँ पर फूल भी ले सकते हैं, चप्पल जूते यहाँ उतारे, फूल फूल और अगरबत्ती, कितने का पैकेट जाती है?
एक पैकेट हम भी ले रहे थे। कितने का है? 10 रुपए के हैं। 10 रुपए एक मेरी तरफ से, एक मेरा भाई सुशील की तरफ से ले लेते हैं। अच्छा है, मतलब आप लोग जब अजमेर शरीफ में आते हैं तो आपका मन और अकीदा ये होता है कि हमें अजमेर शरीफ में जाना है, जरूरत करना है, और जो बाकी जरूरत है उधर भी जाना है, है ना? माशाल्लाह, क्या सुना है यहाँ के बारे में? करिश्मा बहुत सुने, करिश्मा करामत, है ना? माशाल्लाह, देखिए भाई हमारे घर ठीक है, कोलकाता वाले ना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि हम लोग ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए हैं, आधे रास्ते पहुंच गए। इसमें ज्यादा सीढ़ी नहीं है ना? मुश्किल से कितनी सीढ़ी होंगी? 40? नहीं नहीं, 30 मुश्किल से 40 से 30 सीढ़ी होंगी, और चढ़ के आप ऊपर आ सकते हो। और ये पूरा शहर जो है ना, पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ शहर है, बहुत अच्छा लगता है यार। और ये देखिए, पहाड़ों की गोद पे पूरा अजमेर शहर बसा हुआ है। एक यहाँ से भी रास्ता है, एक यहाँ से भी रास्ता है। शाम का टाइम हो गया, कई लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करने जाते हैं। और यहाँ पानी भी फिर ये देख सकते हो मटके में। और ये हम लोग पहुँच गए चिल्ले मुबारक। हाँ यार, पहली बार सच में देखो, मैं बहुत बार सोचा यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, और आज वीडियो बनाने की इच्छा थी, लेकिन पता नहीं वीडियो नहीं बना पा रहा, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, देखिए हम लोग, सलाम अलैकुम हजरत, कैसे सब खैरियत? मुबारक हो भाई, हाँ शरीफ आपको बहुत बहुत। देखिए हजरत मिल चुके हैं, माशाल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहीं पर आए हैं, अभी लोबान का टाइम है, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ की जानकारी देते हैं। अंदर खादिम साहब है, चलिए यहाँ पर चिल्ला ख्वाजा साहब लिखा हुआ है, आप चलते हैं अंदर, और अंदर ही जा करके आपको बताते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको काफ़ी सारी मज़ारत यहाँ पर देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी, कच्ची पक्की, छोटी बड़ी, यहाँ पे मज़ारत देखने, काफ़ी सारी मज़ारत हैं। और जब आप चिल्ले शरीफ में आएंगे ना, तो यहाँ पर दरूद क्या बोलते हैं, फातिहा दरूद पढ़ते हुए आए, दरूद और सलाम पढ़ते हुए आए, यहाँ पर देख सकते हो चिल्ला ख्वाजा गरीब नवाज। ये देखिए यहाँ पे फूल की दुकान भी है बाजी के हमारे, आप यहाँ से फूल वूल भी ले सकते हैं। और ये एक चीज़ बता दूँ, हमारे अजमेर शरीफ में चाहे गरीब नवाज सरकार की बारगाह हो, चाहे गरीब नवाज सरकार की चिल्ले मुबारक की बारगाह हो, यहाँ पर एनी टाइम लंगर आम जारी रहता है, लंगर बढ़ता रहता है माशाल्लाह। यहाँ पर हमारे जो अजमेर के खुद्दाम हजरात हैं, ये लंगर आम कराते रहते हैं यहाँ पर, देख सकते हो। और ये दुकान है, यहाँ पर आप आकर के फूल वगैरह और ये किताबें भी ले सकते हैं, इन किताबों से आपको बहुत सारी नॉलेज और जानकारी मिल सकती है। और ये देखिए मोइन क्या लिखा है, मोइन जहाँ, माशाल्लाह देखिए इसमें गरीब नवाज सरकार के बारे में पूरी जानकारी है। देखिए गरीब नवाज सरकार के बारे में पूरी जानकारी है, इसके अंदर हिस्ट्री है, ख्वाजा गरीब नवाज, ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे किताबें भी ले सकते हो, और किताबें पढ़ करके आप पुरानी ज़माने की जानकारी ले सकते हो, पुराना हिस्ट्री अपने बारे में जान सकते हो। हाँ, जिनका चिराग, देखो मेरे दोस्त को बहुत पसंद आ रहा है ये, और यहाँ पे जिनका चिराग भी मिला। कितने का है जनाब ये जिनका चिराग? मात 500 रुपए का जिन्नाती चिराग है, मतलब जिन्नाती चिराग नहीं, मैं यूँ बोल रहा हूँ, बाकी जिन्नाती नहीं है, मतलब ऐसे एक जमाने में यूज होता था, काफी खूबसूरत लगता नहीं है ये, काफी खूबसूरत लगता है देखने में। आज के टाइम में लोग इसको सिर्फ फैशन के लिए यूज करते हैं, पर पहले में लोग इसको जलाने के लिए यूज करते थे। और यहाँ पर ताबीजे भी मिलती है, ताबीजे भी आप ले जा सकते हो। कितने की ताबीज है, कितने क्या अदिया की ताबीज पड़ेगी जनाब? ये मात्र 10 रुपए अदिया, 10 रुपए में कितनी, क्या पता कितनी आएगी, 10 रुपए की अदिया बता रहे हैं। और ये आ गए हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के चिल्ला मुबारक में, जहाँ पे यहाँ के खादिम साहब मिल चुके हैं, और अभी इन्हीं से थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, हम बताएंगे आपको। माशाल्लाह देखिए यहाँ पे भी और काफ़ी सारी मज़ारत है, यही है वो चिल्ला मुबारक। और ये देख सकते हो यहाँ पर जब भी आप आएंगे ना, तो लोभान और अगरबत्ती और यहाँ पे मोमबत्ती लोग जलाते हैं, और मन्नत मुरादें मांगते हैं, और दुआ भी कबूल होती है इनके वसत के वसीले से। यहाँ पर बैठे हैं यहाँ के खादिम साहब, जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं, अब इन्हीं से थोड़ी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गरीब नवाज सरकार का चिल्ला मुबारक के बारे में हमें थोड़ा बताएं, और ये दो गद्दी लगी हुई है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा बताएं यहाँ के बारे में। सबसे पहले तो ये सिर्फ चिल्ला नहीं है जी, आप जब अजमेर शरीफ आए थे तो आपके पास रहने की जगह नहीं थी जी, पहाड़ी पे गुफा के अंदर आपने अपना पहला कायम किया जी। तो ये जो आपको दो गद्दी दिख रही है, तो ये आपकी गद्दी है जी,
इस पे बैठ के आपने आना सागर के पानी का हुक्म दिया था जो कूजे में आ गया था जी। यहीं आपने जादूगर का जादू खत्म करा, उनका नाम अब्दुल्ला बियाबानी रखा, कायमत तक जिंदा रहने की दुआ दी जी। और तबलीग की इब्तिदा भी यहाँ से हुई जी। और इस तरफ ये जो दिखती दिख रही है चौकी है जी, ये जो नीचे पत्थर है इस पत्थर पे आप नमाज पढ़ते थे क्योंकि पश्चिम किबला रुख इस तरफ है जी। ये आपका पहला मुकाम था, यहाँ आपने वक्त गुजारा, उसके बाद आप वहाँ गए जहाँ पे आज आपका आस्थाना है जी। ये वही पत्थर है जिसे रोता हुआ पहाड़ कहते हैं, आप ऊपर जो बूंदे देख रहे हैं वो आंसू हैं। अच्छा, ये आंसू क्यों कहा जाता है भाई? कहते हैं आप जब यहाँ से रुखसत होके उधर चले गए थे तो पत्थर रोया था जी। और दूसरा ये है कि आपके जिक्र की शिद्दत की गर्मी से पिघल के टपकने लगा था। तो ये मैं निशान देख रहा हूँ कि और जगह में नहीं है ये, सिर्फ पूरे में थे। लोग आते हैं हाथ रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के बहुत तोड़ के होती है। अच्छा, तो लोगों से दरख्वास्त है कि मतलब ये कि यहाँ पर आए तो मतलब हाथ ज्यादा लगड़े नहीं, ये चीज को बचाए। जरा एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि कई वीडियोस, कई कैसेट बनी हुई है, कई कवाली भी बनी है जिसके अंदर एक कासा दिखाया जाता है, छोटा सा कासा दिखाया जाता है, उसके अंदर कहा जाता है पूरा गरीब नवाज सरकार ने बड़े शाना सागर का पानी ले लिया था, वो कासा भी कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो ये कि जो सीडीज में और वीडियोस में ये सब में दिखाया जाते हैं तो आज के लोग हैं उनको जो पता है वो उस हिसाब से बोल देते हैं कासा कासा जी जी। गरीब नवाज ने तो कम जो किस्सा है वो यहाँ का है कि आपने अपने मुरीद को बोला पानी लेके आओ जी, मुरीद के पास जो चीज थी वो लेके चले गए और वो था पूजा जी। मिट्टी के बर्तन को पूजा कहा जाता है। अच्छा अच्छा, प्याले को, तो उस मिट्टी के प्याले में अनस सागर का पानी आया था, कासा कभी नहीं था। अच्छा, ये जो लोग कासा कासा करते हैं ये तो सीडी वगैरह, आज के लोग को जितनी नॉलेज है उस हिसाब से वो सीडी बनाते हैं। अच्छा, तो जो मिट्टी का प्याला था वो आज के टाइम में कहाँ है, कौन लेगा? ये ज्यादातर तबरुकात जिसमे ये पूजा भी था, कुतुब साहब अपने साथ अपनी मजार में ले गए, उन्होंने अपने पीर का सामान अपने साथ ले गए। उनका कहना था कि आने वाले वक्त में लोग शिर्क करेंगे, बेअदबी करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे बदनामी होगी जी। इसमें बहुत से तबरुकात है जो अपने साथ अपने मजार में लेके चले गए वो जी। ठीक, जानना चाहूंगा मैं, देख रहा हूँ यहाँ चिल्ले के साथ साथ में ऊपर भी दो तीन चिल्ले हैं, ऊपर सबसे ऊपर में वो किन के हैं भाई? इस पहाड़ी पे जो चिल्ले हैं उस हिसाब से मेन तो है गरीब नवाज का जी, जो चिल्ले के साथ साथ रहने की जगह है जी। दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, तीसरा महसूस सलार गाजी का जो सबसे ऊपर है जी। चौथा एक है जिसके अंदर लोगों ने उस्मानी चिल्ला जिसे कहते हैं जी, तो वो ऊपर है। उस जगह का नाम उस्मानी चिल्ला है, ख्वाजा उस्मान हारून ने आके कभी चिल्ला नहीं करा जी। वहाँ जिनकी मजार है मुरादाबाद के नवाब खादिम हुसैन का, वो वहाँ पर उन्होंने लिख भी रखा है कि हम कुछ तबरुकात लाए थे मक्के जन्नतुल माला जहाँ पे गरीब नवाज के पीर की मजार है जी, उसको अपने साथ दफन कर रखा है और उनकी उस जगह का नाम है उस्मानी चिल्ला जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिरी तौर पे हिंदुस्तान नहीं आए। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गरीब नवाज सरकार के चिल्ले मुबारक पे जहाँ पर गरीब नवाज सरकार आकर के इबादत करते थे और यहीं पे नमाज पढ़ते थे, और ये जो पहाड़ है आज भी कहा जाता है उनकी याद में रोता है, और यहाँ पे आंसू के निशान बने हुए आज भी आप देख सकते हो। तो आप जब भी गरीब नवाज सरकार के चिल्ले मुबारक पे आएंगे तो आपको आंसू के निशान यहाँ पे आज भी देखने को मिलेंगे, और ये गरीब नवाज सरकार की याद पे ये पूरा पहाड़ रोने लगा था और ये आंसू के निशान बन गए। हजरत एक चीज लास्ट में, अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर यहाँ पर आ रहा है ज़िरत करने के लिए या कोई तबरुकात पेश करने के लिए आ रहा है तो वो आपसे कैसे मुलाकात कर सकता है? सीधे चिल्ले पे आ जाए, मैं सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक यहीं मिलूंगा। चिल्ले शरीफ खुलने का टाइमिंग क्या है? सुबह 6 बजे और क्लोज 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद ठीक है, आप यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत देखिए कितने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से बच्चे आए हुए। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्दीक। अभी वो खाने में बिजी है, क्या खा रहा है? चलिए देखिए, माशाल्लाह हमारे बहुत सारे जारीन भी आए। कहाँ से आप लोग अजी? जलगांव से। जलगांव वाले माशाल्लाह, मतलब गरीब नवाज सरकार की करामत सुनी यहाँ पर आते हैं ज़िरत करते हैं। हाँ। माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से बाबा? आप भी जलगांव से हो? अच्छा बाबा, एक बात बताओ, यहाँ के बारे में क्या सुनते हैं और क्या करामत है यहाँ की, थोड़ी बताओ ना। करामत तो ऐसे है कि जिंदा करामत है। बेशक, क्या सुना है आपने करामत के बारे में, हमें थोड़ा बताएं। अनस सागर से कासे में पानी उठाया गया था जी जी, गरीब नवाज सरकार ने पूरा अनस सागर का पानी एक छोटे से प्याले पे ले लिया, ये जिंदा करामत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कई जारीन यहाँ पर आते हैं और ज़ियारत करते हैं। हमारे भाई लोग हैं, हमसे हमारे सब्सक्राइबर है, हमारी वीडियो देखते हैं। आप लोग कहाँ से?
हम भी भुसावल से। अरे भुसावल के क्या, भुसावल तो आया था मैं। भुसावल में एक बहुत खूबसूरत दरगाह है उजनी शरीफ। हाँ, हाँ, मैं वहाँ पे गया था और बहुत करामत जी जी। बहुत अच्छा लगता है आप लोग मिलते हैं, आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार देते हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जितना हो सकता है मैं आप लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ अभी। हाँ सही बात है, खो रहा था ना तो ये से बैठे रहते हैं, तो आप दुरुस्त सब इतना कर लिए, पहले थोड़ी इतना दुरुस्त रहा। सही बात है, ये पूरा आर्किटेक्ट अभी बनाया गया है, ये तो अभी चिल्ले शरीफ में मैं पूरी जानकारी दूंगा। देखिए कितना खूबसूरत गुम्बद है यहाँ का, और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी मज़ारत हैं। अब ये देखिए सुभान अल्लाह जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह यहाँ पर देखिए मज़ारत है। यहाँ पर देख कर के आप आए, कभी भी आप आते हैं ना तो नीचे की तरफ नहीं देखते, आप आसमान की तरफ बुलंद करके देखते हैं। तो ध्यान रखें कि आसमान की तरफ कम नीचे देखें, क्योंकि नीचे भी मज़ारत मौजूद है। तो ये देखिए ये मज़ारत है, यहाँ पर गलती ना हो आपसे, आप देख करके नीचे की ओर चलें और इस तरीके से ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं आप। और ये देखिए माशाल्लाह शाम होने को है, सूरज बूढ़ने को है, मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके यहाँ की जानकारी दूँ उतना जल्दी अच्छा रहेगा। ये देखिए ये है आनंद सागर, जिस आनंद सागर का पानी पूरा गरीब नवाज सरकार ने अपने कासे पे, एक छोटे से कासे पे गरीब नवाज सरकार ने ये पूरे आनंद सागर का पानी छोटे से कासे पे ले लिया था। ये गरीब नवाज सरकार का करम नहीं तो क्या है, देख सकते हो यहाँ पे जितना करामत इसी पहाड़ के पहाड़ पे हुई थी, और कहा जाता है कि इसी पहाड़ पे ही इबादत करते थे गरीब नवाज सरकार। चलते हैं आप लोगों को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर भी चिल्ले मुबारक है बहुत सारे, तो ऊपर भी चिल्ले मुबारक है वो आप लोगों को जा करके। और अब ऊपर चलते हैं हम लोग, एक और चिल्ला होता है ना वहाँ पर, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह का चिल्ला मुबारक ऊपर ही है, वहाँ का भी दिखा देते हैं। फिर आपने बुला लिया मुझे, मतलब ये कि गरीब नवाज का एक करम नहीं तो क्या है, मतलब वो वाली कहने वाली बात है कि ख्वाजा जिसे बुलाते हैं जैसे लौट आइए, ख्वाजा गरीब नवाज सामने मेरे ऊपर से। बेशक बेशक, कोई करामत कोई अपने आंखों से जो देखी है या सुना है आपने, बताओ हमें। आपके आना सागर से मुझे तस्वीर मिली थी आज, मतलब आपने मुझसे राज खुलवा लिया कि मैं बैठी हुई थी बड़ी मायूस जी, बहती हुई आई, हमारी नंद पास में थी, उनके हाथ नहीं लगी, वापस लौट गई जी। फिर लहरों में वापस आई तो आज भी मेरे पास। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह, मतलब आप आना सागर पे बैठे थे मायूस और वहाँ पर आपको बहती हुई तस्वीर नजर आई, और वो पास आई, वो हमारी नंद ने हाथ बढ़ाया तो लहरों में वापस हो गई। हाँ, और फिर वापस आई, मैंने उठाई तो मेरे हाथ में आ गई। अरे वाह सुभान अल्लाह, ये तो जिंदा करामत है। और आपको दिखाऊंगी मैं तभी जी जी, तो मतलब वो तस्वीर आज भी आप पढ़ते हैं, उससे इबादत करते हैं। बिल्कुल मेरे पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जब से मेरा हालात चेंज हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं यहाँ से ख्वाजा उस्मान अरूनी का जो चिल्ला मुबारक लोग कहते हैं, पर उसका एरिया नाम है, चिल्ला नहीं है वहाँ पर, चिल्ला सिर्फ सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह का चिल्ला सबसे ऊपर है, और एक और चिल्ला भी है वहाँ पर, बताया था अभी हजरत। देखिए ये पूरा रास्ता है, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर चिल्ला मुबारक की जरूरत करने, और यहाँ पर अभी एक रास्ते में दिखाएंगे एक और भी दरगाह, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। जब यहाँ पे कुछ होता है तो बहुत खूबसूरत दरगाह को सजाया जाता है। देखिए यहाँ पर भी डेग है, आप सामने देख सकते हो, ये देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का चिल्ला मुबारक, और ये रहा वो पूरा आना सागर जिसका पानी गरीब नवाज सरकार ने अपने छोटे से प्याले पे ले लिया था। और ये देखिए यहाँ पर आज हम लोग और गली से होते हुए जा रहे हैं ऊपर, किन ये सबसे ऊपर किन का चिल्ला है, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह का चिल्ला मुबारक है, जिनकी रियल मज़ार बहराइच शरीफ में, यूपी के बहराइच शरीफ में, मैंने वहाँ का वीडियो पूरा बना रखा है, जा कर के आप देख सकते हैं। और वहाँ की भी बहुत सारी करामत है, जिंदा करामत है, कोड़ी जो होते हैं मरीज होते हैं उनकी सबकी दुआएं कबूल होती है और जल्दी से जल्दी इलाज होता है माशाल्लाह। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना की बारगाह पे और वली अल्लाह की बारगाह के बारे में जानकारी नॉलेज हासिल होती है ना, तो दिल को सुकून और ठंडक फील होता है, और हमारे ईमान का
जज्बा भी ताजा होता है, ईमान भी ताजा होता है। देखिए यहाँ पे कई सारी मज़ारत है, यहाँ पर ये चिल्ला पहाड़ आप जब आएंगे ना तो आपको चिल्ले पहाड़ पे जगह जगह आपको इस तरीके से मज़ारत देखने को मिलेगी, है ना यहाँ से, क्या नाम है एलविश, यहाँ पे जगह जगह कबर मज़ार देखने को मिलेगी। अरे हमारे बाबा मिल गए, आइए लीजिए, देखिए हमारे बाबा मिल गए माशाल्लाह, इनको तो आपको कौन नहीं जानता, आपने मेरी वीडियो में अक्सर देखा है। देखिए हमारे बाबा का धूना है, हमारे बाबा लोग इधर पास में आ जाओ, इनका भी इबादत और जिक्र का टाइम होता है। और ये देखिए ये धूना है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे, आइए शॉर्ट टर्म। बाबा ये बताओ ये धूना क्या मतलब होता है? ये मौला पंजतन का धूना है। मौला पंजतन का, अच्छा मतलब आप जब जब सारी दुनिया सो जाती है तब रात में आप लोग इबादत करते हैं, रात में क्या मतलब कैसे जिक्र करते हैं, क्या इबादत करते हैं? ये तो अंदर की बात, मतलब जिक्र इलाही करते हैं, अंदर की बात है बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे रात को मौला मौला के नाम का जिक्र इलाही का नाम का यहाँ पे इबादत होता है, और यहाँ लंगर भी होता है बाबा, ये लंगर आप ही लोग कराते हैं? देखिए बाबा मस्तान मलंग लोगे, जब अजमेर शरीफ दरगाह का उर्स आता है तो जो आप धमाल देखते हो, ये करतब देखते हो ना, आंखों में सजा डालना, गर्दन और में आर पार करना, ये सब बाबा लोग ही करते हैं, और लंगर आम भी देखो बाबा लोग यहीं पे करते हैं। आइए देखिए पहले आते हैं लोग जरूरत करने के लिए यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर भी आए आप जरूरत करते हुए जाएं। देखिए ये किन की मज़ार है बाबा? अच्छा 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 कौसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे कई सारी मज़ारत हैं, उनकी भी आप ज़रूरत करते हुए यहाँ से जा सकते हैं। देखिए देखिए ये पुराना सागर है यहीं बाजू में ही, जिसको गरीब नवाज सरकार ने पूरा पानी आना सागर का ले लिया था छोटे से प्याले पे। आ चुके हैं गरीब नवाज सरकार का, जो जहाँ पे कासे में पानी को पूरा ले लिया था आना सागर का, तो वहीं पर हम आए हुए हैं आज चिल्ले मुबारक पे। तो हज़रत हमें मिले जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हम जानना चाहेंगे गरीब नवाज सरकार की शान पे कोई जो उन्होंने करामत करी वो थोड़ा बताएं। गरीब नवाज का ऐसा मामला, जो सरकार ने जब बताया रसूल आपको जो मर्तबा दिया जी, तो उस जमाने में 22 ख्वाजा थे जी, आपको दावत दी घर बुलाया जी, और जब घर बुलाया तो वहाँ पर सब चीज लोग आके खा के चले गए जी। अब एक प्याला बचा था जिसमें कुछ कीड़े वगैरह लगे हुए थे जी, तो हर ख्वाजे को आपने बुलाया कि ये है मेरा बच्चा कुचा, जो भी खाते थे वो चले देखते थे कि बाबा इसमें कीड़े पड़े हैं, वो देख के वो चले जाते थे जी। ऐसे वाक्य वो एक आए दो आए देखते चले गए जी, ऐसे 21 ख्वाजा चले गए जी। मतलब गरीब नवाज का नंबर आया मोइनुद्दीन संजय रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज अताए रसूल, जिनको मर्तबा मिला वहाँ पर अताए रसूल जी, उसी वक्त का मामला जब आपको बोला कि भाई ये प्याला है जी, तो आपने जब देखा कि आप गरीबों को नवाजने वाले, आप किसी की बात नहीं डालने वाले जी, बेशक तो आपने उसी घर में कहा कि भाई इसके घर में यही पड़ा हुआ है, अब इसने मेरे को दावत दे के बुलाया है जी, मुझे खिलाना चाहता है जी, तो इसमें कुछ मसले होंगे, तो आपने उठाया, आपने ये नहीं सोचा ये कीड़े हैं क्या है, वो आपने ठीका जी, तभी आपको सारी विलायत अता हुई, वहीं आपको अता रसूल का जो मर्तबा मिला वहीं सरकार अपनी अपने भेज में आ गए, तो वहीं लोगों को मशहूर हुए कि भाई ये सरकार को इन्होंने विलायत मिल गई, मिलायत मिल गई, तो वहीं पर आपको अता रसूल का मर्तबा वहीं अता हुआ है माशाल्लाह। बाकी आप हिंदुस्तान आए वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, जाओ हिंद जाओ वहाँ पर जाके जो हमारे लोग चाहने वाले लोग हैं उनको भी जाके यहाँ का नूर अता फरमाओ, और यहाँ की जो फैज़ जो उनको यहाँ की जो मामला थे वो बदलाओ और उनको फैज़ दो यहाँ का जी, जिनको मालूम नहीं था, वो गरीब नवाज ने आके यहाँ पर रोशन किया, या बहुत बड़े बड़े जादूगर लोग थे जी, तब आपने हटाया और इंसानियत यहाँ लागू करी, कोई या किसी ज़माने में ऐसा मामला था कि कोई जादूगर वाले मामले थे वो किसी को मानते नहीं थे जी, उस जमाने में गरीब नवाज यहाँ आए, कई लोग कई जगह पर कुछ बीमारियाँ होती थी, आया साहब के आते हजारियाँ तो जो कि हाथ लगाता कोड़ हो जाते थे, वहाँ पर आपने एक नमाज पढ़ी और वहाँ दुआ करी सबके लिए कि जब बाबा साहब जो भी है बाबा है जल्द से दूर हो जाए, तो वहाँ से दूर हुई, वहाँ जो कोड़ी लोग थे आज वहाँ कोई भी कोड़ी नहीं, वो गरीब नवाज रहता है और वहाँ आप गुलाब लगा के वहीं आए, और फिर आपके आप यहाँ आए चिल्ले पे, तो चिल्ले पे आप आराम फरमाते थे, ये वो जगह है आराम फरमाने की, आपका बेड वगैरह लगा हुआ है, आपके जो बाबा कुतुब बाबा ख्वाजा उस्मान हारूनी जो वहाँ का इनका तबरुक यहीं पर पीरो मुर्शिद का आपने ला के रखा, यहीं आप आराम करते थे, और जब आप यहाँ से आपको जब
रुखसत आपके जहाँ वक्त पूरा हो गया, जब आप यहाँ जाने लग गए तो पहाड़ रोने लग गया कि सरकार आप जा रहे हैं मेरे पास, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। जब गरीब नवाज वहाँ गए आपको मालूम चल गया भाई अब तो मेरे को यहाँ आना नहीं है जी। तो उस जमाने का चिल्ला उसी जमाने से नाम से मशहूर है जगह चिल्ला मुबारक। ये जो पानी का वाकया हुआ था यहीं पे हुआ था? ये पानी का वाकया था ऐसा था भाई, राजा था और राजा ने बोला कि भाई गरीबा जगह है लोगों से कि ये क्या जादू कर देंगे पानी कर लेंगे, इनको भगाओ ऐसे, इनका पानी वानी बंद कर दो जी। और लोगों का भी लोगों का पानी बंद कर दिया। तो गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ इस काशे को लेके पानी को बोलो तुम्हें ख्वाजा साहब ने बुलाया जी। तो पानी काशे में आके जब वहाँ गए, जब जब पानी देखा राजा ने कि भाई कोई पानी वानी नहीं है, तो लोगों ने बोला भाई पानी का तो वहाँ जाके बोलना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने गया, बाबा साहब ने वाक्य के सर भाई क्या मामला थे पानी का, क्या जादूगर है जादूगर। तो गरीब नवाज ने उसे वादा लिया कि भाई तो क्यों लोगों को तंग कर रहा है जी। मतलब जादूगर है पहले तंग करता था लोगों को, तो गरीब नवाज सरकार ने कहा कि तंग करना बंद कर दो। हाँ राजा था। हाँ तो फिर उसने क्या करा कि पानी पैरा लगा दिया और यहाँ पे पानी देना बंद कर दिया। अच्छा गरीब नवाज ने हुक्म दिया अपने मुरीद को जाइए पानी को कहना कि तू खाजा सामने बुलाए जी। तो पानी पूरा काशी में आ गया। सुभान अल्लाह। सोचने लग गया कि भाई पानी गया का जी। तो लोगों ने राजा से बोला कि जाओ वहाँ पर खाजा साहब को जाके दुआ कर, सबको नवाजने वाले हैं तेरे को नवाज देंगे। वहाँ गया वो राजा, उन्हें बैठ जा, बैठ तो उठ ही नहीं पा रहा था। उन्होंने माफी मांगी बाबा साहब से जी। दुआ करी बाबा साहब से, बोला बाबा मैं सबको तंग करना बंद कर दूंगा। तो बाबा साहब ने जाओ आने सकते पानी छोड़ दो, पानी हो गया सबके ऊपर माशाल्लाह। तो ये करामत, ये जिंदा करामत हुई है उस जमाने में, और कई लोगों ने अपने आंखों से देखा और किताबों पे भी लिखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? तो बस फाइनली हमारी वीडियो चुकी फाइनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मिस्टर खान अजमेर और जैन साहिल खान फेसबुक अकाउंट है। यहाँ की वीडियो मेरी माशाल्लाह जब मैंने पहले शुरुआत में आज से 3 से 4 साल पहले डाला था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल थी, और अब भी यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। और बस मैं ये देखता हूँ कि आप मेरी वीडियो को तो पूरा देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं शुरू में, बाय, अल्लाह हाफिज़।